उज्जैन में काउंटिंग लगातार चलती जा रही है। काउंटिंग को लेकर बीजेपी काफी उत्साहित है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी हमारे साथ है, जो कि अभी अंदर से आए। क्या चल रहा है अंदर काउंटिंग के दौरान? पहली, जैसा कि हमें पूरा विश्वास था, पहले राउंड में हम 16,800 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये हमारे साथ कुछ अभिकर्ता भी हैं, ये बताएं आप अंदर क्या चल रहा है, किस प्रकार के संकेत जो अभिकर्ताओं की ओर से मिल रहे हैं? बीजेपी की बढ़त है और अनिल फिरोजिया जी का जो नंबर आया है अभी पहले राउंड में 16,800 वोटों से आगे हैं। क्या लगता है हमारे साथ पुनीत जैन जी भी है, जैन साहब अंदर क्या लगता है, कुछ आगे बढ़ेगी और बीजेपी की लीड या इसी गति से काम चलता रहेगा? नहीं, यह गति आगे बढ़ेगी और लगभग लगभग 4 लाख पार हम जाएंगे। जोशी जी, बड़ी बात यह है कि अभी से आप तैयारी करने लगे, किस बात की तैयारी है? ये जीत की तैयारी हमने कर ली है। आज शाम को 4 बजे नानाखेड़ा श्रद्धेय श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ ही हम लोग, हमारा विजय जुलूस प्रारंभ होगा, जो नानाखेड़ा से टावर, टावर से मालीपुरा और मालीपुरा से कंठाल पर उसका समापन होगा। अभी से आपने संदेश भेजना शुरू कर दिया? बिल्कुल भेजना शुरू कर दिया। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और सब लोग 4 बजे की इंतजार कर रहे हैं कि कब 4 बजे और हम जुलूस में शरीक होंगे। ये थे उज्जैन के जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, जिन्होंने कहा कि तैयारियां शुरू हो गई है। अभी पहले राउंड के परिणाम सामने आए, लेकिन जैसे संकेत मिल रहा है लंबी जीत बीजेपी दावा कर रही है। शुरू से बीजेपी लंबी जीत का उज्जैन से दावा कर रही थी, क्योंकि उज्जैन से डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और पूरे जो प्रचार की कमान है वो खुद उन्होंने संभाल रखी थी, इसलिए उज्जैन से जीत को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है। विक्रम सिंह जाट, ABP News, उज्जैन।